हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, कई बार कान में पानी या धूल मिट्टी जम जाने के कारण फंगस जमा हो जाता है और इससे धीरे धीरे आपके कान में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपके कान में अब मैल की गुठली बन जाती है और यही मैल आपके कान के दर्द का भी कारण बनता है। तो इस दर्द और बेचैनी को दूर करने के लिए आज हम आपसे एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाले हैं, साथ ही इसे बचने के कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको कान में दर्द या अगर आप अपने कान में जमे मैल को निकालना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, साथ ही में अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर क्लिक करें। तो आज हम जो नुस्खा आपको बताएंगे ये आपके कान में होने वाले अचानक दर्द को दूर कर आपके कान से मैल निकालने में बहुत कारगर है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए लहसुन। लहसुन एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी औषधि है जो आपके कान में जमे फंगस को दूर करके मैल को निकालने में बहुत कारगर चीज है। आप लहसुन के छिलके को उतार दें और इसकी लहसुन की कली को अच्छी तरह से ग्रेट कर लें और इसका रस आप इस्तेमाल करें। लहसुन का रस लेने के बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पर चाहिए सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम मात्रा में ही इन दोनों का इस्तेमाल अपने करना है। 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लीजिए और इसमें आधा चम्मच लहसुन का रस डालिए और फिर इन दोनों को मिक्स कीजिए। इसे आप किसी स्टील की कटोरी में हीट कीजिए, आप इसे थोड़ा गर्म करें और इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें और रोजाना अपने कान में इसकी 2 बूंद डालें जिससे कि कान का जो मैल है वो घुलकर बाहर निकलने लगे। ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर है और घरेलू है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जो कान के मैल को तुरंत बाहर करने में मदद करती है, यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पेरोक्साइड है जो कान के मैल को निकालने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इसकी भी सिर्फ 2 बूंद कान में डालनी होती है और फिर उसी साइड से आप लेट जाएंगे और जिसकी वजह से जो कान में जमा मैल है वो घुलकर बाहर आने लगेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है कान के मैल को बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, यदि आपके कान में दर्द रहता है या कान में जमे मैल से आप परेशान हैं तो आप घर पर ही इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स ये हैं कि आप कान में जब मैल जम जाए कान में कोई भी चीज़ अंदर एकदम ना डालें क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, कान के पर्दे को भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, समय समय पर अपने कान की सफाई रखें जिससे कि आपके कान में मैल जमा ना हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसी भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करें, हम आपको उस समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। ज़रूर कमेंट करके शेयर किया करें, साथ ही में वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय बनती है वो भी कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।